हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन दी चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम। तो बेसिकली गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप शेयर के बारे में। तो गाइस, फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, और इसके पीछे का मुख्य कारण गाइस की कंपनी के स्टॉक में पिछले कुछ समय पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण गाइस ये रहा था, क्योंकि कंपनी के जो रिलायंस के साथ में डील होने वाली थी, जो कि कुछ समय के बाद जो है डील कैंसिल हो गई, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स को काफ़ी बड़ा झटका लगा और कंपनी के स्टॉक एकदम से नीचे गिर गए। और साथ ही इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है गाइस केस चले फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। फ्यूचर रिटेल की मैं बात करूँ, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, तो तमाम कंपनियों में इनके जो है काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट पेमेंट पाया गया था। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। सबसे पहले फ्यूचर रिटेल जो है बैंकरप्सी की तरफ बढ़ चुकी है। 16 आप सभी को पता होगा कि 15 जुलाई को इसका जो एक्रेड डेट रखा गया है, और जो कि एक्सटेंशन पीरियड था 3 महीने का इनके जो है दिवालिया के लिए। वहीं पे स्पेस मंत्रा कंपनी करके जो है निकल कर आई है, जिन्होंने कि 550 करोड़ की बोली लगाई है। अब देखना ये है कि यही कंपनी जो स्टील को फाइनल करती है या फिर कोई और प्लेयर भी मार्केट में देखने को मिलता है। साथ ही एक्सिस ट्रस्टी ने अप्रोच किया है एनसीएलटी में कि फ्यूचर टेल के क्लेम्स में जो है कुछ ऐड ऑन किया जाए, तो अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ का जो है हो चुका है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि 470 करोड़ का टोटल मिला है, और इसकी जो कंपैरिजन की गई थी वो 1266 करोड़ की करी गई थी। वहीं पे एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं फ्यूचर रिटेल के। वहीं पे अगर आप उनमें से हो जिनके स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही गारमेंट प्रोड्यूसर्स जो कि है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर, उन्होंने डिमांड करा है 200 करोड़ रुपए का जो कि ड्यू है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। तो अगर फ्यूचर ग्रुप इनके अमाउंट को पे नहीं करते हैं, तो आप जल्दी देखेंगे कि इनके खिलाफ जो है ये कंपनी है कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। साथ ही स्टार्टिंग में देखा था हमने रिलायंस रिटेल, अडानी ग्रुप जो भी काफ़ी ज़्यादा जो है गाइस इंटरेस्ट ले रहे थे फ्यूचर को बाय करने के अंतर्गत, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई भी अपडेट्स निकल कर नहीं आया है इनकी तरफ से। तो देखते हैं आने वाले समय पे क्या अपडेट आता है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।